हेलो गाइस, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि आपको पता है, होली आने वाला है, तो होली नेम अलर्ट वाले वीडियो आप किस प्रकार बना सकते हैं और आपके वीडियो पे लाइक्स एंड व्यूज काफी ज्यादा ला सकते हैं। इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक वीडियो का लिंक और काइन मास्टर एप्लीकेशन का लिंक दे रखे हैं। सिंपल आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद यहाँ आपको बैकग्राउंड ब्लैक कलर का सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इस बैकग्राउंड को 10 से 12 सेकेंड तक कर सकते हैं। इसके बाद डन करते हैं। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखे है, सिंपल आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपल वीडियो को सेलेक्ट करते हैं, इसे आपको फुल स्क्रीन में कर देना है। इसके बाद इस वीडियो के लेयर पर क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद एक्स्ट्रा साउंड को, एक्स्ट्रा बैकग्राउंड को ट्रिम टू राइट कर देंगे। तो अब आपका वीडियो देख सकते हैं कुछ इस टाइप को देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, 0.5 पे आना है और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। लेयर पे आएंगे, टेक्स्ट पे आ जाएंगे। टेक्स्ट पे नाम लिखने के बाद आपको जो भी नाम लिखना है यहाँ पर लिख सकते हैं। सिंपल मैं यहाँ पर आपको मुस्कान लिख देता हूँ। इसके बाद इसे डन करेंगे। डन करने के बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको लेटर फाउंड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको जैसा चाहिए यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद डन करते हैं। डन करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद आगे की तरफ आना है, इसको आपको 1 से 2 सेकेंड तक रहने देना है। इसके बाद सिंपल इसे क्लिक करेंगे और स्पीड टू प्ले हिट कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे, फिर से इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको लिख देना है हैप्पी होली। इसके बाद ओके करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको हैप्पी होली कुछ इस तरह से आ चुका है। इसे जूम भी कर सकते हैं। इसके बाद इसे आपको लास्ट तक कुछ लेकर आ जाना है, ठीक है। इसके बाद डन करते हैं तो आपका वीडियो जो है यहाँ पे 6 सेकेंड तक का ही चाहिए, ज़्यादा सेकेंड चाहिए नहीं। इसको जो भी एक्स्ट्रा पार्ट को आप ट्रेन टू राइट कर सकते हैं। देख सकते हैं आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो जो फर्स्ट वाले लेयर आपने नाम लिखे है उस पर क्लिक करेंगे, इन एनिमेशन में आना है और यहाँ पे आपको साइड राइट दे देना है। इससे कैसे कि जैसे कि जब आएगा तो राइट होते हुए निकल जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसे आपको फुल स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद फिर से हम इस वीडियो पर क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग पे आ जाना है और यहाँ पे आपको मल्टीप्ले या फिर ओवरले सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ओवरले सेलेक्ट कर दिया हूँ। तो अब देख सकते हैं आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं, जो काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं। इसके बाद इसको अगर टेक्स्ट का कलर या चेंज करना चाहे तो सिंपल इस पर आएंगे और यहाँ से आप टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस कलर का भी, इस टेक्स्ट को भी मैं कलर का चेंज कर देता हूँ। अब देख सकते हैं आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। होली आने वाला है, यदि अभी इस टाइप के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको साउंड ऐड करना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक वीडियो का भी लिंक दे रखे हैं। सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कैंची के निशान पर क्लिक करना है, स्ट्रैक्ट आइडियो कर देना है। इससे क्या होगा, वीडियो में से जो भी आइडियो है आपको बाहर आ जाएगा। वीडियो को आपको सेलेक्ट करना है और इसे आपको डिलीट कर देना है। अब आपका साउंड भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएंगे तो क्या करना, इसे हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद आपको यहाँ पर टिकटॉक एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो मैंने यहाँ पर टिकटॉक एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। उसके बाद मी पे आता है, मैंने एक वीडियो को लाइक करके रख रखा हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस साउंड को मैं लिंक दे दूंगा। तो सिंपल आपको करना क्या है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपल आपको करना क्या है, इस पे साउंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यूज दिस साउंड का। सिंपल आपको यूज दिस साउंड पे क्लिक कर लेना है। यूज दिस साउंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है और जिस जो वीडियो आपने अभी एक्सपोर्ट किए थे उस वीडियो को आपको सिंपल सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद वॉल्यूम पे आना है और जो अपना वीडियो का साउंड है उस साउंड को आपको बिल्कुल नॉर्मल कर, जीरो कर देना है और टिकटॉक के साउंड को आपको फुल कर देना है। इसके बाद डन करना है। इसके बाद यहाँ पे एक इफेक्ट का ऑप्शन आता है, इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बहुत सारे आपको इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो सिंपल आपको जो भी इफेक्ट चाहिए आप बिल्कुल आसानी से, जैसे कि जो भी इफेक्ट चाहिए यहाँ पर देख सकते हैं। जो ये इफेक्ट जो है काफ़ी बेहतरीन लग रहा है तो मैं इस इफेक्ट को सेलेक्ट करके रख देता हूँ। जैसे प्रेस करके रखिएगा ऑटोमेटिक लाइनिंग जो है आपको बढ़ने लगेगा। इसके बाद इसे सेव करेंगे।
सेव करने के बाद आप देख सकते हैं वीडियो आपका कुछ इस तरह से देखने को मिल जा रहे हैं। इसके बाद इसे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको हैशटैग यूज कर लेना है। सिंपल फर्स्ट हैशटैग जो वर्क कर रहा है वो कर ले सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सेकेंड हैशटैग आपको कर लेना है फॉर यू पेज, थर्ड नंबर पे आपको मैं टिकटॉक इंडिया, फोर्थ नंबर पे वायरल और फाइव नंबर में फॉर यू पेज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हैप्पी होली 2020 सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ से आपको वीडियो को पोस्ट कर देना है। यदि इस तरह की वीडियो अभी बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको।